हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आपका स्वागत है बच्चों। और आज ये क्लास 6 की मैथ्स की क्लास होने जा रही है, तो आप सभी बच्चे अपनी बुक नोटबुक रेडी रखें और हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, आज का जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अभी तक जो करते आए। अब संख्याओं के साथ खेलना या फिर प्लेइंग विद नंबर्स, तो बच्चों ये चैप्टर है आपका। और इसमें हम जो अभी टॉपिक हमारा चल रहा है वो है बच्चों की विभाज्यता जांच करना, डिविजिबिलिटी टेस्ट हम देख रहे हैं। तो हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हमने सीखी थी पिछले लेक्चर में। किस किस की सीखी थी बच्चों? हमने 10 की, 5 की, 2 की, 3 की, 6 की, ये सब हमने। इनसे कैसे पता लगाया जाए कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या या कोई भी संख्या इनसे डिविजिबल है या नहीं है विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग इट, मतलब असलियत में हमें उसको भाग नहीं करना, देखते ही हमें पता लग जाना चाहिए। ये ट्रिक्स हमने पिछले में सीखी थी, पिछले लेक्चर में। अब बच्चों कुछ और ट्रिक्स हैं हमारे पास जो हम सीखेंगे, जैसे कि चार से कैसे भाग करेंगे, 8 से, 11 से, 9 से। तो ये सब ट्रिक्स भी आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। उसके बाद इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो आपका चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना, संख्याओं के साथ खेलना, तो इसमें जो बच्चों अभी तक हम ट्रिक्स कर चुके हैं वो कौन सी ट्रिक्स हम कर चुके हैं ये यहाँ पे एक बारी रिवाइज करना जरूरी हो जाता है। तो बच्चों देखिए, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लिया है। क्या कर लिया है? डिविजिबिलिटी टेस्ट। किस किस से? हमने 10 का कर लिया है डिविजिबिलिटी टेस्ट, फिर 5 का कर लिया है, फिर 2 का, 3 का और 6 का कर लिया है। इन सब नंबर्स का हमने कर लिया है, यानी कि कोई भी संख्या 10 से वो डिविजिबल है या नहीं है ये हम उस संख्या को देखते ही पता लगा सकते हैं। कोई संख्या 5 से डिविजिबल है या नहीं है वो भी उस संख्या को देखते ही हम पता लगा सकते हैं। अब क्या आता है बच्चों? अब जो हमारे पास आता है वो नेक्स्ट नंबर हम करेंगे। अगला नंबर कौन सा है बच्चों? तो देखिए, 6 से हमने चेक कर लिया, अब हम 4 से जांच कर सकते हैं। 4 से विभाज्यता होगी या नहीं होगी ये हम जांच कर सकते हैं। तो 4 से या फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 हम कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे देखिए, कोई भी नंबर है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, 4, 6, 1, 2, 4, 6, 1, 2। अब बच्चों इसको क्या आप बता सकते हैं बिना एक्चुअली डिवाइड किए, बिना भाग किए, कि क्या ये 4612 4 से भाग होगा पूरा पूरा या नहीं होगा? तो आप कैसे बताएंगे ये चीज देखेंगे। देखिए, पूरा डिवाइड करना तो आपको आता है। हम क्या करेंगे, ये जो वंस प्लेस डिजिट होता है और टेंस प्लेस का डिजिट होता है, हम सिर्फ 2 डिजिट लेते हैं इस केस में, ठीक है। 2 डिजिट क्या हो गए यहाँ पे? 12 हो गए। तो देखिए, हम राइट हैंड साइड की 2 डिजिट यहाँ पे लेते हैं तो 12 आ गया, और इस 12 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर ये 12 4 से पूरा पूरा भाग होता है तो भाई ये 4 से भाग होगा पूरा नंबर, नहीं तो नहीं होगा। तो ये तो काफी सिंपल है, 12 है, 4 का गुणज है 12 या नहीं ये चेक करना है। तो 4 * 12, ये तो 4 का गुणज है सीधा, हमें तो डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, तो सीधा हमें पता लग गया डायरेक्ट कि ये 4 से भाग होगा, ठीक है। इसी तरह कोई भी संख्या आप ले सकते हैं और आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। जैसे ये बताइए,
9532, 9532। इसका बताइए आप कि क्या ये चार से भाग होगा? कैसे आप पता लगाएंगे कि ये चार से भाग हो गया या नहीं होगा? अभी मैंने बताया आपको कि ये चार से भाग कैसे होगा। देखिए हमें क्या करना है, जो लास्ट की दो डिजिट है वो लेनी है हमें, वो पिक करनी है राइट हैंड साइड की तरफ। तो देखिए, या फिर आप बोल सकते हैं वंस और टेंस हमें लेना है, इकाई और दहाई वाले अंक हमें लेने हैं। तो कितना है ये, 32 है। तो अब देखना है कि क्या 32 चार का गुणज है, या फिर आप बोल सकते हैं कि क्या ये जो 32 है, क्या ये 32 चार से पूरा पूरा भाग होता है? तो बिल्कुल होता है। चार का अगर किसी को पहाड़ा आता है, टेबल आता है, तो 4 8 32 होता है भाई, पूरा जाता है ये। तो इसीलिए इसको भी आप बोल सकते हैं कि ये संख्या भी चार से विभाज्य है। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी संख्या ले सकते हैं और उसको आप चेक कर सकते हैं। अब बहुत बड़ी सी संख्या हम लेके देखते हैं और चेक करते हैं, पता करते हैं कि क्या आप वो बड़ी संख्या भी कर पाते हैं। जैसे कि ये बताइए, पूरी डिवाइड करने में तो बहुत समय लग जाएगा आपको, आपको डायरेक्ट बताना है कि क्या ये चार से भाग होगी। तो आप क्या करेंगे, बड़ा सिंपल तरीका है भाई, लास्ट की डिजिट हमने देखी, लास्ट की डिजिट क्या है, 2 16, 1 और 6 है। तो क्या ये 16 चार से पूरा पूरा भाग होता है, या फिर ये चार का गुणज है, 4 चौके 16, बिल्कुल है। तो ये भी संख्या भी चार से भाग होगी। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। अब देखिए, चार से विभाज्यता हमने जांच ली, और अब हम विभाज्यता जांचेंगे 8 से। किससे? 8 से। आठ से विभाज्यता जांच करेंगे। कैसे करेंगे 8 से विभाज्यता जांच? तो देखिए बच्चों, जैसे हमने 4 से किया था, लगभग लगभग कुछ कुछ उसी तरह का हम तरीका अपनाएंगे, यहाँ पे तरीका यहाँ पे आजमाएंगे। बस थोड़ा सा हमें उसमें एक चीज चेंज करनी है। वो क्या करनी है बच्चों? वो ये करनी है कि जो उसमें हम क्या करते थे, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के जगह पे जो अंक होते थे वो लेते थे हम, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ से 2 डिजिट लेते थे। इसमें 3 लेनी है, बस इतना करना है, और उनको चेक करना है कि क्या वो 8 से पूरा पूरा भाग होते हैं या नहीं होते। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं करेंगे हम। तो जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये संख्या ले ली, तो अगर हमें 4 से इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट करना था तो क्या करते थे हम सिर्फ 32 को लेते, अगर 4 से पता करना है। लेकिन अगर 8 से पता करना है तो हम आखिरी के 3 डिजिट लेंगे, और ये क्या क्या है, 832। अब 832 को आप चेक करेंगे कि 4 से ये पूरा पूरा भाग होता है या नहीं। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको ये तो करना पड़ेगा कि भाई लास्ट की जो 3 अंक हैं उनको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि 3 अंक तो काफी बड़े हो जाते हैं और ऑरली इनको करना थोड़ा टफ होता है। जो कर पाता है वेरी गुड, नहीं तो आप इसको लिख के कर सकते हैं। इसमें क्या आसानी रहेगी आपके लिए वो मैं अभी बता दूंगा, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो 8 से हमें करना है, 8 एकम 8, 0 बच गया, 3 उतार लिया, तो 8 0 0, 3 बच गया, और यहाँ पे हमने 2 उतार लिया, तो 8 चौके 32, तो यहाँ पे 0 शेष बच गया। और अगर 0 शेष बच जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये उस नंबर से पूरा पूरा भाग होगा, यानी 832 8 से पूरा पूरा भाग होता है। 832 इज डिविजिबल बाय 8, ये बोल सकते हैं आप। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फायदा क्या है बच्चों, आपको देखिए, एक तो पूरी संख्या नहीं करनी पड़ी डिवाइड। तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अगर हमने ये 3 अंक कर लिए तो हम पूरी भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है, ये आप पूरी कर सकते हो। लेकिन जो संख्या लाखों करोड़ों में होगी वो तो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर मान लो 10 अंक की, 12 अंक की कोई संख्या है, उसके आखिरी के सिर्फ 3 अंक डिवाइड करना इजी है, या पूरे के पूरे 12 अंकों को आप करेंगे लेके चलेंगे, तो ये चीज आप खुद ही देखें, खुद ही डिसाइड करेंगे आप। अब देखिए बच्चों,
एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका, और वो आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपको पता भी लग जाएगा कि क्या फायदा हुआ इस तरीके को सीखने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास है 6 4 9 8 5 1 2, तो यहाँ बताइए कि क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो पूरी संख्या को आप डिवाइड करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, और वहां पे मिस्टेक होने के चांसेस भी हैं। आपको सिर्फ बताना है, आंसर तो पूछा नहीं आपसे, सिर्फ बताना है हाँ या ना, ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, और 512 आखिरी के जो 3 डिजिट हैं वो हम देखेंगे। 512 को 8 से डिवाइड करेंगे आप, तो अगर इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो देखिए किस तरह से आप कर सकते हैं। 8 6 48, ठीक है, कितने बच गए, 3 बच गए, 2 उतार लिया, और ये कितना आ गया, 8 चौके 32, और ये 0 बच गया। तो फिर से 0 शेष बच गया, मतलब ये 512 8 से पूरा पूरा भाग होता है, और अगर 512 8 से पूरा पूरा भाग होगा तो ये संख्या भी 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ये चीज आप यहाँ पे समझ जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा लेवल आपका इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम आगे वाले रूल्स पे जाएंगे, आगे बड़े नंबर्स पे जाएंगे। तो देखिए 8 तक हमने सीख ली है, ठीक है, अब हम 9 का सीखते हैं कि 9 नंबर को कैसे आप डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9, या फिर आप बोल सकते हैं 9 से विभाज्यता। नौ से विभाज्यता, तो देखिए अब आपको याद करना होगा, क्या याद करना होगा, कि 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने कैसे सीखा था, 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे किया था। ये क्या आपको याद आ रहा है? ठीक है, मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 5 है, ठीक है, 2 है, 2 है, 5 2 2 है, क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है? तो ये आप कैसे चेक करेंगे, ये चेक करेंगे बच्चों आप इन तीनों डिजिट्स का सम करके। ठीक है, 5 प्लस 2 प्लस 2 कितना आता है, ये 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9। अब जो हमारे पास इनका योग आया है, अगर वो 3 से पूरा डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, 522 भी 3 से डिवाइड होगा, अन्यथा ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 9 तो 3 से पूरा पूरा भाग होता है, या फिर बोल सकते हैं 9 तो 3 का गुणज है, और 3 का जो भी गुणज, जितने भी गुणज होंगे वो 3 से पूरे भाग होंगे, तो ये 522 भी 3 से भाग होता है। सिमिलरली सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से हम 9 से विभाज्यता की जांच करते हैं, और क्या करते हैं कि जो सम ऑफ डिजिट होता है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स बी डिविजिबल, डिविजिबल बाय 9, मतलब जो भी डिजिट्स का सम है वो अगर 9 से डिवाइड होता है या फिर 9 का गुणज होता है तो आप बोल सकते हैं वो संख्या भी 9 से भाग होगी, नहीं तो नहीं होगी। दैट्स इट, बस इतना आपको करना है। बिल्कुल 3 की तरह ही है 9 भी, तो इसको अलग से आपको ना तो याद रखना है ना ही कुछ करना है, बस आपको ये देखना है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। दैट्स इट। अब देखिए एग्जाम्पल लेके देखेंगे, एग्जाम्पल बिना आप बेहतर नहीं समझ पाएंगे। पांच हजार 292 है, तो ये आप 9 से पूरा डिवाइड करेंगे, समय लगेगा, हम सीधा इसका डिजिट्स का सम कर देते हैं। 5 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 2 कितना आ जाता है, 5 प्लस 2 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 9 कितना आ जाता है, 16 प्लस 2 18 आ जाता है, कितना 18, यहाँ पे इनका सम आ गया। अब क्या बताइए कि क्या 18 9 से भाग होता है पूरा पूरा, बिल्कुल होता है, तो आप बोल सकते हैं कि यस ये नंबर 9 से डिवाइड होगा, 9 से डिविजिबल होगा। इसी तरह कोई भी कितना ही बड़ा नंबर आ जाए आप चेक कर सकते हैं, जैसे 7 4 6 0 8 2, ठीक
ठीक है, इससे भी कितना ही बड़ा नंबर हो, आपको तो सम करना है डिजिट्स का। तो 7 + 4 + 6 + 0 + 8 + 2, अब देखिए इनको ऐड करके देखिए, 7 + 4 = 11 + 6 = 17 + 0 = 17 + 8 = 17 + 8 कितना हो गया, 25 + 2 = 27 हो गया। ठीक है, 27 9 से पूरा पूरा भाग होता है, या फिर 27 9 का गुणज है, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। अब देखिए एक और हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, और ये हमारा आखिरी होगा इस लेसन में, कि डिविजिबिलिटी टेस्ट हम इन्हीं संख्याओं का करेंगे अभी तक। तो देखिए जो लास्ट है ये है, 11 से विभाज्यता जांच करेंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या आप तैयार हैं मेहनत करने के लिए? बिल्कुल, थोड़ा सा बस फोकस करना है आपको, और कुछ नहीं करना, ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए ये समझते टाइम, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आपके लिए। देखिए जैसे कोई संख्या है हमारे पास, कोई संख्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम बच्चों, 308 कोई संख्या है, 308। तो आपको पता है सम संख्याएं और विषम सम स्थान और विषम स्थान क्या होते हैं? सबसे पहले बताइए सम संख्या और विषम संख्या पता है क्या होती है? देखिए जो सम संख्या होती है वो 2 से डिवाइड होती है पूरी पूरी, 2, 4, 6, 8, या फिर 2 का जो गुणज होते हैं वो सब सम संख्याएं होती हैं, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। और जो विषम संख्याएं होती हैं वो इसके अलावा जो बच गई वो विषम संख्याएं होगी, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर स्थान की बात करें, हम स्थान की बात करें तो सम स्थान और विषम स्थान क्या होगा? ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिए। जैसे कोई नंबर है 3, 2, 1, 4, 5, 9, 8 है, तो ये है, अगर मैं दाएं से बात करूं, ठीक है, फ्रॉम राइट बात करूं, तो ये क्या हो गया, ये विषम स्थान हो गया और ये सम स्थान हो गया। विषम को हम ले लेते हैं ऑड, सम को ले लेते हैं इवन। ठीक है, क्योंकि जो पहले नंबर पे है वो ऑड हो गया, सम हो गया, दूसरे नंबर पे है वो इवन हो गया, मतलब सम हो गया, तीसरे नंबर पे फिर सम हो गया, विषम हो गया, और चौथे नंबर पे सम, पांचवें पे विषम, छठे पे सम, सातवें पे विषम। तो इस तरह से आप ऑड इवन ऑड इवन चेक कर सकते हैं कि कौन से स्थान पे है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें। तो पहला एक क्या है, पहला स्थान तो भाई विषम है, दूसरा स्थान सम है, तीसरा विषम है। इस तरह से आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है इसके बाद, दाएं से विषम स्थानों के गुणज अंकों का योग, मतलब जो हमारे पास ये संख्या है तो दाईं तरफ से हमें विषम स्थानों के अंकों का योग करना है। तो बताइए विषम स्थान कौन सा, एक तो 8 है विषम स्थान पे, ये 0 हो गया सम स्थान पे, लेकिन 3 है विषम स्थान पे। तो हम क्या करेंगे, हम दाएं ओर से लेते हैं। ठीक है, तो 8 + 3 यहाँ पे आ गया, 8 + 3 हम कर देंगे कितना आ गया, 11 आ गया। अब हमें क्या करना है, दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग करना है। ठीक है, दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग, ये चीज आप समझ रहे हैं ना? तो यहां पे तो सिर्फ एक ही दिख रहा मुझे सम स्थान पे, वो है 0, तो इसका योग 0 आ जाएगा। अब इन दी एंड हमें क्या करना है, अंतर निकालना है इसका, डिफरेंस आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा डिफरेंस बच्चों, 11 - 0 क्या होता है, 11 ही होता है। अब अगर ये देखना है आपको
कि अगर इनका जो ये अंतर है ये 11 से डिविजिबल है, विभाज्य है, तो जो पूरा नंबर होगा, पूरी संख्या होगी, वो भी 11 से विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, ये चीज मैंने लिख के इसलिए समझाई आपको ताकि आप बेहतर समझ सकें इसको। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। बिल्कुल, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 61809। तो इसमें बताइए कि दाएं से विषम स्थान कौन सा है। देखिए ये है तो विषम स्थान वाला 9 हो गया, फिर तीसरे स्थान पे जो अंक है वो हो गया 8, और फिर जो पांचवें स्थान पे अंक है वो हो गया 6। इन सबको आप अगर ऐड करेंगे 9 + 8 + 6 तो ये हो जाता है 23, 23। अब सम स्थानों पे 0 है और 1 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 0 + 1, ये कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमें अंतर निकालना है, और जो अंतर अगर 11 से डिवाइड होता है पूरा पूरा, या फिर 11 का गुणज है, तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। तो 23 - 1 हम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 23 - 1 = 22 आ जाएगा, और 22 तो भाई 11 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, पूरा पूरा भाग होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये संख्या भी 11 से पूरी डिवाइड होगी, आप चेक करके देख सकते हैं, आपको ये डिवाइड होती हुई मिलेगी। तो ये चीज होती है बच्चों आपकी, यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट कंप्लीट होता है। तो आप कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, कितना बड़ा नंबर ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके देखिए। अगर मैं बोलूं 6 2 6 7 8, तो आप कैसे इस पे इसको पता लगाएंगे बच्चों। देखिए इसमें पता लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑड इवन आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले स्थान पे, ये दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे और पांचवें पे। तो यहाँ पे जो सम स्थानों पे है उनको आप अलग उनका सम करेंगे, जो विषम स्थानों पे हैं उनका सम अलग करेंगे, 8 + 6 + 5, ये विषम स्थानों पे हैं। तो इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 8 + 6 + 6 है ये लास्ट वाला भी, तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 6 = 12 + 8 = 20 हो जाएगा। फिर सम स्थानों का हम योग करते हैं, जो सम स्थानों पे डिजिट है, 7 + 2 है तो 7 + 2 = 9 हो जाता है। और अब अंतर निकालेंगे तो 20 - 9 कितना हो गया, 11 हो गया, और 11 पूरा पूरा डिवाइड होता है, 11 11 से पूरा पूरा डिवाइड होता है भाई। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया बच्चों आपका 11 से। तो इन डिविजिबिलिटी टेस्ट को आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक करें और एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो बेहतर आप समझ पाएंगे। और अगली क्लास में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे आपकी एक्सरसाइज के। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, जो हमने यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट किए हैं जिन जिन नंबर्स के, वो एक बारी हम रिकैप कर लेते हैं। हमने अभी किया है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 / 8 / 9 / 11, ये सब हमने किए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आए होंगे, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।